नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बक्सर में हुए प्रोटेस्ट के बाद किसानों पर लाठी चार्ज की गई, उनके घर में घुसकर बच्चों और महिलाओं पर भी लाठी चार्ज की गई है। इस पर अब पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ये घटना काफी निंदनीय है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को भी लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मुख्यमंत्री पहले बक्सर का समाधान करे, तब जाकर समाधान यात्रा करे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों के साथ जितनी भी समस्या हो रही है उसका समाधान करे, उसके बाद ही उनकी समाधान यात्रा सफल होगी। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। तो पहले बताए ना मुख्यमंत्री, समाधान ढूंढ लिए क्या? बक्सर का समाधान मिल गया उनको, किसानों का समाधान मिल गया, बीपीएससी का समाधान मिल गया, सीटेट बीटेट का समाधान मिल गया, छात्रों की समस्या का समाधान मिल गया, मजदूरों की समस्या का समाधान मिल गया, बिहार में युवाओं की समस्या का समाधान मिल गया, या पलायन का समाधान मिल गया? किस बात का समाधान मिला है मुख्यमंत्री जी को? हकीकत में जो खुद समस्या की जड़ हो उनसे समाधान की उम्मीद रखना भी गलत सोच होगी। और यही परिणाम है और ये उदाहरण देखने को मिलते हैं, परिणाम स्वरूप ये उदाहरण देखने को मिलते हैं बक्सर जैसी घटनाओं में। और उसके बाद आग में घी का काम करते हैं उनके तमाम नेता, उनके मंत्रियों के बयान, जहां एक तरह बक्सर जल रहा है और उनके मंत्री किस तरीके का बयान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री किस तरीके का बयान दे रहे हैं। ये बंटवारे की सोच, ये बंटवारे की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, दलित महादलित करके बांटो और सत्ता की कुर्सी पे जाओ, पिछड़ा अति पिछड़ा करके बांटो सत्ता की कुर्सी पे जाओ, ये कारण है बिहार की बर्बादी का। और इसी के खिलाफ आज की तारीख में पूरा बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आक्रोशित। चिराग जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, कल से लोग आपका इंतजार कर रहे थे, जेट प्लस सुरक्षा आपको दिया गया है क्या? नहीं देखिए भाई, मुझे सुरक्षा मिली नहीं मिली, मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ नहीं बनने जा रहा हूँ, मैं तमाम ये खबरें अपने बारे में देखता हूँ, मुझे भी कई जानकारी खबरों से ही अपने बारे में मिलती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, मुझे मंत्री पद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है भाई, और ना ही बिहार की जनता को इसमें दिलचस्पी है। आज की तारीख में बिहार में और बहुत ज्वलंत विषय हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए और वो भी खास तौर पे तब जब बिहार में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर ही बनाई जाती हैं। हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए भी जातीय जनगणना का समर्थन किया था, पर मुख्यमंत्री बताए ना उसकी रूपरेखा क्या है, किससे इन्होंने चर्चा की, क्यों सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते मुख्यमंत्री, क्यों सबसे चर्चा नहीं करते, कोई जदयू का कार्यकर्ता क्या नेता भी बता दे मुझे कि जनगणना की रूपरेखा क्या, तो मैं मान जाऊंगा। बिना किसी से डिस्कस किए हुए, बिना किसी से राय मशवरा लिए हुए इस तरीके की योजनाओं को लाना गलत। तो देखा आपने किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं चिराग पासवान। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि यह समाधान यात्रा तभी सफल होगी जब किसानों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा, अभ्यर्थियों की समस्या को सुनी जाएगी, उनका समस्या का निदान किया जाएगा, तब जाके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा सफल होगी। आगे और क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान वो आपने सुना। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।